पेप्सिको ने गुजरात के चार किसानों के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन का मामला वापस ले लिया है। पेप्सिको इंडिया के प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार से बातचीत के बाद कंपनी किसानों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को राजी हो गई है। पेप्सिको को इस मुकदमे के कारण राजनीतिक दलों और कई संगठनों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा था। गौरतलब है कि पेप्सिको ने आलू की वैरायटी FC5 की खेती के चलते गुजरात के पांच किसानों के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन का मामला दायर किया था। आलू की इस वैरायटी को विशेष रूप से पेप्सिको के पॉपुलर आलू चिप्स लेज के लिए पैदा किया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको ने गुजरात के 9 आलू उत्पादक किसानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और इनमें से 4 किसानों से लगभग 1 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। हालांकि इस मुकदमे के बाद कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बायकॉट होने का डर सताने लगा था। इस खबर के मीडिया में आने के बाद देश भर के किसान संगठनों ने गुस्से का इजहार किया, साथ ही सोशल मीडिया पर पेप्सिको के प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की मुहिम शुरू हो गई। मीडिया में आने से विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने सरकार पर किसानों के मुद्दे को अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मामले में इस तरह आंख मूंद कर नहीं बैठ सकती है। उसके बाद गुजरात सरकार ने किसानों की मदद करने का फैसला लिया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मामले का संज्ञान लेते हुए रविवार को कहा कि सरकार ने पेप्सिको द्वारा दर्ज मुकदमे में एक पक्षकार के रूप में शामिल होने का फैसला किया है। दूसरी ओर RSS से संबंधित भारतीय किसान संघ समेत करीबन 192 किसान संगठनों ने भी सख्त विरोध करते हुए कहा कि कंपनी को किसानों के खिलाफ अपना मुकदमा वापस लेना होगा।